अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं चौधरी साहब। अगली स्टोरी जो है वो जब से ट्रंप जीता है अमरीका के अंदर इतने रौला बड़ा पै गया पाकिस्तान, और रौला इन्ना ज़्यादा पै गया होया कि कुछ समझ नहीं आ रही कि कौन की कह रहा है, कौन धी नू सुना रहा है तो कौन नू नू सुना रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि आज मैं देख रहा था सुप्रीम सॉरी अपने फॉरेन ऑफिस ने उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया है, जो वहाँ पे जो डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर। अभी जो है ट्रंप साहब ने तो अगले 20 जनवरी अगले साल टेक ओवर करना है चार्ज। पाकिस्तान आईज स्ट्रॉन्ग टाइज विद जो है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। फॉरेन ऑफिस की जो स्पोक्स पर्सन है वो कि ये कह रही हैं कि नॉन इंटरफेरेंस इन डोमेस्टिक मैटर्स कॉर्नर स्टोन ऑफ पाक यूएस टाइज। दूसरा ये बात कर रही हैं कि बिलीव चेंज इन यूएस एडमिनिस्ट्रेशन विल नॉट अफेक्ट टाइज विद चाइना। टर्म्स रिलेशन विद बीजिंग सोर्स ऑफ स्टेबिलिटी। डिसमिसेस टॉक ऑफ प्रेशर फॉर इमरान रिलीज एज स्पेकुलेटिव। नाजरीन आपको अगर समझ नहीं आई, उन नाजरीन को जो अंग्रेजी नहीं समझ सकते वो यही कह रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने ये कहा है कि अमेरिका के अंदर जो कुछ हुआ है वो अमेरिका का मामला है, पाकिस्तान के साथ कोई उसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। और कोई ऐसी ये जो स्पेकुलेशन हो रही है खाम खाम हवा में बात उड़ाई जा रही है कि हमारे ऊपर प्रेशर जो है इमरान खान की रिलीज के हवाले से हम बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेंगे, लेकिन इसके ऊपर बयानबाजी काफ़ी हो रही है। और सब आपको पता ही है कि चौधरी साहब आपके फेवरेट ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो कैसे पीछे रह सकते हैं, सुनिए। ट्रंप इनका कौन सा मामे का पुत्र है जो जो है वो इनके लिए दौड़ता आएगा कि आओ जी तानू बचाइए सी तानू वापस टावर च लैके आइए। ये बेवकूफ लोग हैं ये जो इस किस्म के ख्वाब देखते हैं। तो चौधरी साहब क्यों मतलब बाकी सही है ना, खाजा साहब सही कह रहे हैं, केड़ा केड़ा को मामे का पुत्र है इमरान खान का कि वो मतलब आएगा तो बचाएगा जहाज में बिठा के लेके जाएगा। वो तो चले हरीरी तो आ गया था जहाज लेके, अब कोई नहीं जहाज होना चाहिए साहब। खावर साहब वो ख्वाजा आसफ साहब ने कहो तो तेरे मामे का पुत्र जिन्हों का 50,000 वोट तेरे तो वध सी तो उन्होंने यूजर्व करके तो बैठा है उसे कुर्सी से वजारत दी वो इलेक्शन कमीशन जाने। जी जी सर लो कमाल है, इलेक्शन कमीशन जाने वो जाने। तो कल क्लिंटन ताड़ी चाची का पुत्र थी बस लीव इट। अच्छा आपको आपको पाकिस्तान के लोगों के हाथों शिकस्त हुई है वो तुमने माना नहीं है। अब ट्रंप अगर कहता कि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स की वायलेशन इज आवर कंसर्न तो फिर उसको आपको जवाब दें, अब जाए भुगते जरा। वैसे नाजरीन ख्वाजा साहब माजी के अंदर वो एक वेंटिलेटर की बात कर चुके हुए हैं, पुलिस साहब अगर हम सुना सकें कि उन्होंने कहा था कि हम अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, हमारी मैशियत जो है वेंटिलेटर के ऊपर। सुनिए अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो है जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहें। ऑलरेडी जो हमारी माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं, ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमरीका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमरीका चाहे तो ये सारे के सारे जो हमें जो इस वक्त ड्रिप्स लगी हुई हैं या वेंटिलेटर लगे हुए हैं सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब ने तो मशहूरे ज़माना जो कहा हुआ है कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, तो बात तो सही है। बैगर्स कांट बी चूजर्स, प्लीज अंडरस्टैंड दैट। हमें अपनी कौम का पेट पालना है, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ। तो कहते हैं ना कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, अपने गरीबानों में झांकें कि कौमें वही खड़ी होती हैं जो चूजर्स होती हैं, बेकारी को कौन पूछता है। राणा सनावला साहब भी जो है हुकूमत के काफी वज़रा इस बात के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं कि ये पीटी वालों को हो क्या गया है, क्या मसला हो गया इनको ट्रंप के जीतने से। सुनिए ये पीटीआई वालों की एक खुशफहमी है कि अब ट्रंप आएगा और हमें आके जो है वो रिलीफ दिलवाएगा, तो ये उनका एक ख्याल खाम है और ये कभी भी जो है वो इसमें कोई सच्चाई ना है ना होगी। ऐसे इकबाल साहब कैसे पीछे रह सकते हैं, वो इस तरह के मामलात के ऊपर तो बढ़ चढ़ के बयानबाजी करते हैं। उनकी सारी सियासत और उम्मीदों का मरकज नौ मुंतखब सदर ट्रंप है, तो ये कलई भी खुल गई है कि जो कहते थे कि हम कोई गुलाम है, अब वो सदर ट्रंप साहब से उम्मीदें और आसें लगाकर बैठे हैं कि वो कप्तान को आजाद कराएं और उसके बाद कप्तान आजाद होके फिर पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी से निजात दिलवाएंगे।
अच्छा नकवी साहब, पता नहीं आप ये बयान आप फिजिकली देख सके हैं कि नहीं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज जो है ना एहसन इकबाल की, वो कोई इतनी वो जो है ना तगड़ी वाली वो वाली नहीं है। वो बेचारे मतलब लग तुहानू पता तो है ना नकवी साहब, उतों कोई चीज़ इशारा हो गया, इशारा अबरू हो गया, मैं आप जो सलीस उर्दू में बात कर लेता हूँ, तो फिर आपको पता है यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें हिलती तो हैं इसमें, तो कोई ये सबको इस बात के अलमा नकवी साहब देखिए नहीं, ये सारा मुशाहिद हुसैन ने ज्यादा बातें की हैं। अच्छा अच्छा जी नकवी साहब, ये जो पाकिस्तान की फ्लाइट वॉशिंगटन जाती है ना, ये वाया जद्दा जाती है, और वॉशिंगटन से जो फ्लाइट आती है वो भी वाया जद्दा, या दुबई या जद्दा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, जद्दा जद्दा। आप देख लें जद्दा आपके साथ कहां खड़ा हुआ है, आपको ट्रंप की पूरी पॉलिटिक्स का आगे का फ्यूचर का अंदाजा हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये बार बार जो बात कर रहे हैं ना, और इतने बड़े बड़े वजीर कर रहे हैं और बड़ा ठोक के ये बात कर रहे हैं, ये रिवर्स साइकोलॉजी है जिससे काम ले रहे हैं। ये इमरान खान के जो सपोर्टर्स हैं या वोटर्स हैं, उनके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहे हैं कि हम डरे हुए हैं ट्रंप आएगा, हम डरे हुए हैं ट्रंप आएगा। उससे क्या होगा, उससे जो इमरान खान की स्ट्रीट पावर है उस पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो रिलैक्स हो जाएंगे कि जी अब तो ट्रंप आ गया, अब तो खान साहब ने बाहर आना ही आना है। और जो मुशाहिद हुसैन साहब भी काम कर रहे हैं, वो भी लगता है यही काम कर रहे हैं कि वो जो स्ट्रीट पावर है वो कमजोर हो। तो ये मुझे लगता है एक रिवर्स साइकोलॉजी का गेम है और कुछ नहीं। ये बड़ा बड़ा अच्छा नुकता आपने उठाया, लेकिन ये मेरे ख्याल में पीटीआई वालों को इस बात का एहसास है। वो क्या फरमा रहे हैं, सबसे पहले अच्छी बात अगर है वो आई जो बानी पीटीआई की जो बहन है वो क्या फरमा रही है, सुनिए हसन खावर साहब। मैं आता हूँ जी सब जी हसन। डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा है या हम उसकी कॉलोनी है, ये मुझे समझ नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट आ रहा है, हम कौन है, हम पाकिस्तानी है। पीटीआई के लोग कह रहे हैं, मेरी बात सुन, मेरा नहीं ख्याल कोई कह रहा है, 24 करोड़ हम पाकिस्तानी, हमें अपनी इज्जत का तो ख्याल करना चाहिए कि हम अपने हक के लिए खुद खड़े हो। आज एक्टिंग चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर साहब, वो भी इसी तरह के कुछ ख्याल का इजहार कर रहे हैं। क्या हम किसी बिरूनी मुल्क बशमूल अमेरिका के इंतजार में है कि वो कोई हेल्प आउट करे, और हम कहते हैं नहीं। जिस अंदाज में खान साहब ने कहा था वो एब्सोल्युटली ना, वो एब्सोल्युटली ना चाहिए। उनके जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं इस वक्त मौजूदा शेख वकास मेंबर नेशनल असेंबली, वो क्या फरमा रहे हैं, सुनिए। एब्सोल्युटली नॉट कहा था, वो कल भी वैसे ही है और आज भी वैसे ही है, किसी की कोई उम्मीद वाबस्ता कोई नहीं है। देखिए उम्मीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों को सिर्फ अल्लाह की जात से, और आपको हमेशा अपने जोर के ऊपर तहरीकें चलानी चाहिए। और जरताज गुल साहब पार्लियामानी जो हैं आपको लीडर हैं पीटीआई की नेशनल असेंबली के अंदर, वो सुनिए क्या फरमा रहे हैं। नजर तो पीएमएलएन की पीडीएम की ट्रंप के इलेक्शन के ऊपर थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुल्क की तरफ देखती है, अपने लीडर इमरान खान की तरफ देखती है,